नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सिहोरा पुलिस ने शुक्रवार को थाने में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की। बैठक में शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अमन कमेटी की बैठक में उपस्थित समाज सेवियों ने कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाली समस्याओं को उठाया तथा समस्याओं के निवारण की बात कही। इस दौरान महाशिवरात्रि पर्व को लेकर थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने मीट की दुकानें व शराब की दुकानें बंद रखने को कहा। वहीं समाज सेवी डॉक्टर मनोज वर्मा ने कहा कि हमारा शहर गंगा जमनी शहर है। हर वर्ष मुस्लिम समाज के लोग शिव भक्तों की सेवा के लिए शहर में कैंप लगाकर उनकी सेवा करते हैं। वहीं भाजपा नेता विनीत देवरा ने कहा कि शुगर मिल रोड पर आए दिन वाहनों द्वारा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे शिव भक्तों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। उन्होंने जाम से निजात दिलाने की बात कही, जिससे शिव भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में समाज सेवी डॉक्टर मनोज वर्मा, डॉक्टर HS कालरा, चौधरी फयूमुर रहमान, समाज सेवी जावेद समस, भाजपा नेता मुकेश रस्तोगी, भाजपा नेता डॉक्टर विनीत देवरा, हाजी इदरीस कुरैसी, डॉक्टर अदनान उस्मान, सभासद नसीम कुरैसी, भाजपा मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह, शशांक बिश्नोई, मनोज भटनागर, भाजपा नेता अमित शर्मा, सादिक घोसी सहित सहसपुर सिवारा के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने की। हमारे शरीक रहते हैं, जिन्हें याकूब सलमानी जी के नाम से जाना जाता है, मैं उनको के साथ बुला रहा हूँ कि लिमका समझ के लाए थे, मादा निकल गया, ताजे के लिए तलाश था। आप पहुंचने पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे अध्यक्ष महोदय जी और गणमान्य लोग। इससे पहले माननीय अमित शर्मा जी ने बहुत रहता है, वहाँ पर जाते हैं और जो सिख भक्त हैं उनको आना और उसमें सहयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सद्भाव के साथ सब लोग इस त्यौहार को मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शिवरात्रि की बधाई देता हूँ। खाने का भी, पीने का भी, दवाई का भी, और हमारे सब लोगों ने बात बताई, डॉक्टर मनोज साहब ने, कालरा साहब ने, डॉक्टर विनीत साहब ने, मुकेश भाई जी ने, अमित साहब ने, तो इंशाल्लाह यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी। आप